आज की इस वीडियो में होंगे कुछ ऐसे कमाल के गैजेट जो कि खास तौर पर आपकी कार के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो अगर आप भी एक कार ओनर हैं तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहेगा क्योंकि एक के बाद एक कमाल के गैजेट्स आने वाले हैं इस सीरीज में। नंबर 13, स्लाइम प्रो फ्लैट टायर रिपेयर किट। आजकल ट्यूबलेस टायर का इस्तेमाल किया जाता है व्हीकल्स में, और अगर ट्यूबलेस टायर पंक्चर हो जाते हैं तो उन्हें इन्फ्लेट करके थोड़ी देर तक इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप अपने टायर की टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हैं इस्तेमाल करने की, तो इस तरीके की रिपेयरिंग किट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरीके की ऐसी रिपेयरिंग किट होती है जिससे कि आप अपने टायर को तो इन्फ्लेट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ ये एक स्लाइम भी रिलीज करता है हवा के साथ साथ, जिससे कि वो टायर में जाकर बैठ जाता है और आपके टायर की वर्केबिलिटी को और भी बढ़ा देता है, जिससे कि आप अपने टायर को 100 माइल्स तक इस्तेमाल कर पाएंगे पंक्चर होने के बावजूद भी, या फिर बिना रिपेयर करे आप 3 दिनों तक उसी टायर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने टायर को प्रोफेशनली रिपेयर करा सकते हैं। तो काफी कमाल का ये गैजेट रहता है जो कि आपकी कार के टूल किट में होना चाहिए, जिसका इस्तेमाल करके आप इजीली टायर को रिपेयर कर सकते हैं। नंबर 12, कार डोर स्टेप। आजकल लोग SUVs का इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए, जिनका फ्लोर काफी ऊंचा होता है, और अगर आपको इनकी रूफ को साफ करना होता है तो अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ जाती है। लेकिन अगर आप इस काम को आसानी से करना चाहते हैं तो इस तरीके के कार डोर स्टेप को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरीके का ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो कि आपके लिए एक डोर स्टेप का काम करेगा, जिसे कि आप कार के डोर के हुक में इसे फंसा सकते हैं, जिसके बाद इजिली पैर रखकर आप इससे कार की रूफ तक एक्सेस कर पाएंगे। ये गैजेट साइज में बेहद छोटा होता है और काफी ज्यादा यूजफुल भी, जिसे कि आप अपनी कार की टूल किट में रख सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप अपने कार की रूफ की साफ सफाई में कर सकते हैं। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। नंबर 11, पार्किंग लॉक ब्लॉक। दोस्तों, अक्सर घरों में ऐसा देखा जाता है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं तो एक फिक्स जगह पर गाड़ी को पार्क करना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप बैक गियर लगाकर गाड़ी को पीछे की तरफ लाते हैं तो आपको जगह का उतना क्लियरली अंदाजा नहीं लगता है, और अक्सर इसी वजह से पीछे का जो हिस्सा होता है वो अक्सर दीवार वगैरह से टकरा जाया करता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इस गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पार्किंग असिस्टेंट के तौर पर आपकी मदद करेगा। दोस्तों, ये एक ऐसा गैजेट होता है जिसमें कि एडवांस सेंसर लगे होते हैं, और जब भी आप अपनी गाड़ी को पीछे की तरफ लाते हैं तो ये हल्का सा भी अगर इस पे टच जाती है गाड़ी तो फौरन इसका सायरन बोलने लगता है, जिससे कि आप अवेयर हो सकते हैं गाड़ी की सेफ्टी को लेकर। साथ ही साथ इसमें आपको एक रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है, जिससे कि आप दोबारा से इसे रीसेट कर सकते हैं, जिससे कि ये एक बार फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाता है, और जरूरत ना होने पर आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं, जिससे कि ये एकदम फ्लैट हो जाएगा जमीन में, और ये प्रेशर रेजिस्टेंट भी होता है, जिससे कि अगर इसके ऊपर भी गाड़ी चढ़ जाती है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो काफी कमाल के फीचर देखने को मिल जाते हैं इस छोटे से गैजेट में, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 10, कैराइड मल्टी टूल। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं अगर आप एक कार ओनर हैं तो। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाने की वजह से आपकी कार स्टार्ट नहीं होती, तो ऐसे में हमें जरूरत होती है एक एक्सटर्नल बैटरी की, जिससे कि हम अपनी कार को जंप स्टार्ट कर सकें। तो ये गैजेट आपके लिए वहीं पर काम आएगा जिसका इस्तेमाल आप अपनी कार को जंप स्टार्ट करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन इसके फीचर्स यहीं तक लिमिटेड नहीं होते, इसका इस्तेमाल आप एक पावर बैंक के तौर पर भी कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने मोबाइल फोन टैबलेट जैसी चीजों को चार्ज कर पाएंगे। यही नहीं, इसमें एक छोटी सी टॉर्च भी लगी होती है, जिसका इस्तेमाल आप इमरजेंसी के वक्त कर पाएंगे। साथ ही इस टॉर्च में आपको काफी सारे मोड्स भी दे रखे होंगे, जिससे कि ये एक SOS लाइट की तरह भी काम करेगी आपके लिए। इस छोटी सी टॉर्च लाइट में आपको एक छोटा सा कंपास भी दे रखा होगा, और साथ ही साथ एक ग्लास ब्रेकर भी होता है, जो कि किसी भी कार ओनर के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो काफी सारे और भी छोटे छोटे फीचर्स मिल जाते हैं इस गैजेट में, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 9, एनोप मोशन लाइट। दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान अक्सर एक बार ऐसी सिचुएशन जरूर आती है जब आपको अपने पीछे आने वाली गाड़ी को कोई ना कोई सिग्नल देना होता है, जैसे कि अगर आप उसे हॉर्न बजाने से रोकना चाहते हैं या फिर उसकी हाई बीम लाइट बंद करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको उसे बोलना पड़ेगा इस काम को करने के लिए। लेकिन ड्राइविंग सीट पर बैठकर ये काम करना आसान नहीं होता, इसके लिए आपको अपनी कार से बाहर निकलना होगा, जिसके बाद ही आप ये काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसा छोटा सा गैजेट चाहते हैं जो कि आपके लिए इस काम को आसानी से कर दे, तो ये गैजेट काफी कमाल का रहता है। दोस्तों, इस छोटी सी LED डिस्प्ले में आपको काफी सारे सिंबल्स देखने को मिल जाएंगे, जिसे कि आप अपने वॉइस असिस्टेंट से एक्सेस कर सकते हैं, और उसी सिंबल को पीछे की तरफ डिस्प्ले करेंगे। जैसे कि अगर आपको पास के लिए थैंक्स बोलना है अपने पीछे आने वाली गाड़ी को, तो इससे आप आसानी से उसे थैंक्स बोल सकते हैं। साथ ही इसी तरीके के और भी छोटे छोटे सिंबल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके सोशल जेस्चर को और भी बेहतरीन बनाते हैं। तो इस तरीके का गैजेट काफी बेहतरीन रहेगा ड्राइविंग के दौरान, जो कि आपकी कार को एक अलग लुक भी देता है। नंबर 8, रोड शॉवर।
दोस्तों अब जो गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि अपनी कार से लंबी लंबी ट्रिप्स पर जाते हैं। घरों में तो ऐसा होता है कि जब भी हमें नहाना होता है तो हम बाथरूम जाकर शॉवर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी लंबी ट्रिप पर हैं तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को तो इससे आप इस काम को आसानी से कर पाएंगे। ये एक तरीके का ऐसा छोटा सा वाटर टैंक होता है जिसके साथ ही इनबिल्ट होता है एक शॉवर जिसका इस्तेमाल आप ट्रिप्स के दौरान नहाने के लिए कर सकते हैं। यही नहीं, इसमें साथ में एक छोटा सा हैंड शॉवर भी मिल जाएगा जिसका इस्तेमाल आप नहाने के साथ साथ अपनी कार और बाइक्स धोने के लिए भी कर पाएंगे। यानी कि डेली यूटिलिटीज को देखते हुए ये गैजेट बेहद हेल्पफुल होने वाला है उनके लिए जो कि अक्सर लंबी लंबी ट्रिप्स पर रहते हैं अपनी गाड़ी से, तो ये गैजेट उनके लिए वाकई काफी कमाल का होगा। नंबर 7, कूपर माउंट सिस्टम। अगर आप एक प्रोफेशनल साइकिल राइडर हैं और आपको भी अपनी टीम के साथ एक्सपेडिशंस पर जाना पड़ता है तो इस तरीके का गैजेट आपके लिए बेहद हेल्पफुल रहेगा। इस गैजेट की खास बात यह होती है कि इसमें आपको एक माउंट मिल जाता है जिसे कि आप अपनी कार से अटैच कर सकते हैं, और जब भी आपको अपनी साइकिल अपनी कार में ले जानी हो तो इस गैजेट की मदद से इजिली आप अपनी साइकिल को अलग अलग करके माउंट में लगा सकते हैं जिससे कि साइकिल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना बेहद आसान रहेगा। आप एक ही कार में अलग अलग माउंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आप अपने साथ काफी सारी साइकिल्स लेकर कैरी कर सकते हैं अपनी कार में। वहीं इस गैजेट की खास बात ये हो जाती है कि ये किसी भी तरीके की कार में अटैच हो जाता है, फिर वो चाहे SUV हो या सेडान, आप अपनी साइकिल को हमेशा अपने साथ लेकर कैरी कर सकते हैं। नंबर 6, बंकी गार्ड। दोस्तों अब जो गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसके यूजेस तो आपको काफी कॉमन से लगेंगे, लेकिन जब आप उस गैजेट के बारे में जानेंगे तो काफी इंटरेस्ट आएगा आपको। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि कार का जो बाहरी हिस्सा होता है पिछला, वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि धूल मिट्टी जैसी बहुत सारी चीजें कार की बॉडी पर लगी होती है, और अगर आपको अपनी कार के पिछले हिस्से में हल्का सा टेक लेकर बैठना है या फिर कोई बूट स्पेस में सामान ही क्यों ना रखना है तो अक्सर आपको उसके पास जाना पड़ता है, जिसकी वजह से कार की बॉडी आपके कपड़ों पे टच होती है और आपके कपड़े भी गंदे हो जाया करते हैं। और अगर आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं या फिर मीटिंग वगैरह में जा रहे हैं तो ऐसे गंदे कपड़े तो वाकई काफी खराब भी लगेंगे। तो इसके लिए आप इस तरीके के छोटे से गार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि अक्सर सामान लोड करते समय या फिर हल्का सा बैठते समय आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ये एक तरीके की ऐसी मैट होती है जिसे कि आप अपने कार के बूट स्पेस में इंस्टॉल कर सकते हैं, और जब भी आपको बूट स्पेस में कोई सामान रखना हो या फिर बैठना ही क्यों ना हो, आप इस मैट को अनफोल्ड करके बैठ सकते हैं इस पे। और यही नहीं, अगर आपकी कार का टायर पंचर हो गया है और आप इसके स्पेयर व्हील से इसे एक्सचेंज कर रहे हैं तो इसे आप एक मैट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे। तो काफी कमाल का ये गैजेट रहेगा जिसके यूजर्स तो काफी सिंपल से हैं लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कार ओनर के लिए। नंबर 5, बैलेंस आर्म सस्पेंशन स्टेबलाइजर किट। कभी न कभी आपने ऐसी गाड़ियां तो जरूर से देखी होंगी जो कि एक तरफ से हल्की सी झुकी हुई होती हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उनके सस्पेंशन होते हैं वो खराब हो जाया करते हैं जिसकी वजह से गाड़ी आपको एक तरफ से हल्की सी झुकी हुई लगती है। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है इस गैजेट की मदद से। ये एक तरीके की स्टेबलाइजर किट होती है जिसे कि आपको अपने कार की सस्पेंशन के पास इंस्टॉल कर देना होता है जो कि कार को नीचे की तरफ से बैलेंस देती है जिससे कि सस्पेंशन पर कोई खास लोड नहीं पड़ता और आपकी कार एक बार फिर से सीधी दिखाई देगी। तो अगर आप अपनी सस्पेंशन की लंबी लाइफ चाहते हैं तो इस गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि सस्पेंशन पर लोड काफी कम हो जाता है। और अगर आप अपनी कार को थोड़ा सा तेज ड्राइव करते हैं तब भी इस तरीके का गैजेट काफी हेल्पफुल रहेगा आपकी कार के सस्पेंशन के लिए। नंबर 4, बेसस वैक्यूम क्लीनर। अगर आप एक कार ओनर हैं तो आपको वैक्यूम क्लीनर की इम्पोर्टेंस तो पता होगी क्योंकि जब भी बात आती है कार के इंटीरियर को साफ करने की तो वैक्यूम क्लीनर की मदद से ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसा छोटा सा वैक्यूम क्लीनर अपनी कार को साफ करने के लिए लेना तो इस तरीके के वैक्यूम क्लीनर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल अगर आप किसी बड़े और भारी भरकम वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करेंगे तो वो साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा बॉटल साइज वैक्यूम क्लीनर होता है जो कि बैटरी पावर्ड होता है जिसे कि आप समय समय पर चार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपको काफी सारे अटैचमेंट्स मिल जाएंगे जिनका इस्तेमाल आप अपनी जरूरत के हिसाब से कर पाएंगे। वहीं दोस्तों इसमें आपको एयर ब्लोवर के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं जिससे कि आप अपनी कार के उन जगहों को भी आसानी से साफ कर सकते हैं जहां पर वैक्यूम क्लीनर का भी पहुंचना मुश्किल होता है। तो दोस्तों काफी यूजफुल सा ये गैजेट रहता है जिसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। नंबर 3, आई कैंपर स्काई कैंप मिनी। अगर आप आउटडोर कैंपिंग करते हैं और अपने साथ टेंट वगैरह लेकर जाते हैं तो आपको पता होगा कि किसी भी टेंट को सेटअप करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि सबसे पहले तो आपको अच्छी जगह ढूंढनी पड़ती है, फिर टेंट को सेटअप करना पड़ता है जिसमें कि अच्छा खासा समय चला जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के पोर्टेबल टेंट को जो कि खास तौर पर आपकी कार में इंस्टॉल होता है। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसा टेंट का सेटअप रहेगा जो कि आपकी किसी हैचबैक या फिर कॉम्पैक्ट SUV कार के लिए बनाया गया है जिसे कि आप केवल 1 मिनट के अंदर ही सेटअप कर पाएंगे। इसमें आपको एक छोटी सी लैडर लाइन की सीढ़ी भी मिल जाती है जिससे कि इसका इस्तेमाल आप अपनी कार की ऊपर की तरफ जाने के लिए कर सकते हैं। वहीं 2 लोगों के आराम करने के लिए बेहद कंफर्टेबल सा ये टेंट रहता है जिसके लिए दोस्तों 1 लाइक तो बनता है। नंबर 2, बफेलो कार्ट्स।
अगर आप किसी कैंपिंग वगैरह में जा रहे हैं तो आपको काफी सारा सामान अपने साथ में लेकर कैरी करना पड़ता है, जिसके लिए आप इस कार्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी इलेक्ट्रिक कार्ट होती है जिसे ड्रैग करके कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसके ऊपरी हिस्से में आप एक छोटा सा बॉक्स रख सकते हैं और अगर चाहें तो एक छोटी सी ट्रॉली के ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि कैंपिंग के दौरान आप काफी सारे सामान को इसमें रख कर कहीं भी ले जा सकते हैं। इसे कार में लेकर कैरी करना भी बेहद आसान होता है, क्योंकि इसे आप अपनी कार के बूट स्पेस में नहीं बल्कि कार की बैक पर लगे हुक से इसे फंसा कर कहीं भी ले जा पाएंगे। तो काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं आपको इस इलेक्ट्रिक कार्ट में, जो कि कैंपिंग में बेहद यूजफुल है। नंबर 1, क्रिस्टल जैक्स। जब भी कार का टायर पंक्चर हो जाता है तो उसे रिप्लेस करने के लिए पहले आपको अपनी कार में जैक लगाना पड़ता है, जिसके बाद ही आप टायर को रिप्लेस कर पाएंगे। लेकिन किसी भी जैक को इस्तेमाल करना काफी मुश्किल काम होता है, जिसमें कि अच्छी खासी मेहनत लग जाती है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी जैक दिखाने वाला हूं जिसे इस्तेमाल करना बेहद आसान रहेगा। ये एक तरीके की ऐसी जैक होती है जहां पर इसका डिजाइन काफी स्पेशलाइज होता है, जिसकी मदद से खुद ब खुद ही सेट हो जाती है। बस इसे आपको एक बार कार के पास लगा देना होता है और जैसे ही आप कार के व्हील को थोड़ा सा भी मूव कराते हैं तो फौरन एक व्हील ऊपर तरफ उठ जाता है, जिससे कि जैक ऑटोमेटिक सेटअप हो जाती है कार के निचले हिस्से में। तो काफी कमाल का ये तरीका रहता है, जिससे कि जैक लगाना बेहद आसान हो जाएगा और केवल आप कुछ ही सेकंड्स में जैक लगा सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा। वहीं इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट के बारे में अगर आप और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर उसे खरीदना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।